तालिबान ने पहले सूबाई दारुल हुकूमत का कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान ने सिक्योरिटी फोर्सेज से गमसान की जंग के बाद अफगानिस्तान के सूबा नमरोज के दारुल हुकूमत ज़रंज का कंट्रोल हासिल कर लिया। अब गवर्नर हाउस जंगजुओं के कब्जे में है। अमरीकी नशियाती अदारे से बात करते हुए नमरोज के नायब गवर्नर हाजी नबी बराहवी ने बताया कि एक घंटे से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाली झड़प के बाद तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत ज़रंज पर कब्जा कर लिया, जबकि अफगान फौज सिपाही इख्तियार करते हुए जिला दलाराम तक महदूद हो गई। नमरोज पुलिस ने शिकवा किया है कि जंगजुओं के साथ झड़प के लिए फौज नहीं भेजी गई और ना ही पुलिस के ताजा दम दस्तों से हमारी मदद की गई। तहम नमरोज के नायब गवर्नर का दावा है कि सूबाई दारुल हुकूमत से तालिबान का कब्जा छड़वा लिया जाएगा। अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि नमरोज में पुलिस ने सिपाही इख्तियार की या हथियार डाला। इस हवाले से मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। 2016 के बाद तालिबान ने पहली बार किसी सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा करने में कामयाब हुए हैं। 5 वर्ष कबल 2016 में तालिबान ने अफगान सूबे कंदोज के दारुल हुकूमत का कंट्रोल हासिल कर लिया था, लेकिन जल्द ही इतिहादी फौज ने कब्जा वागजार करा लिया था। तहम अब तालिबान हलमंद, कंदार, बरात और जौस जान के सूबाई दारुल हुकूमतों के करीब पहुंच चुके हैं। अफगान सूबे जौसजान के दारुल हुकूमत शबरगान पर भी तालिबान के कब्जे की मुतजाद खबरें हैं, जहां तालिबान ने वॉरलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम के घर को आग लगा दी है। हम शबरगान पर तालिबान के कब्जे की आजाद जराए से तस्दीक नहीं हो सकी।